नमस्कार। आज हम फिर से एक डिश बना रहे हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है। उसके लिए हमने 4 बॉईल आलू लिए हैं, ब्रेड क्रम्प लिया है, मोज़ेरेला चीज़, ये अमूल चीज़ और थोड़े से वेजिटेबल्स हमने छोटे छोटे काट के ले लिए हैं। इस डिश का नाम है चीज़ बॉल। सबसे पहले इसके लिए हम ग्रेटर से बॉइल्ड आलू को ग्रेट कर लेंगे। इसके लिए हमने 4 आलू लिए और आलू थोड़े से ठंडे होने चाहिए। आलू एकदम से बॉईल करके नहीं आपको लेना है, उसको थोड़ी देर रख के ठंडा होने देना है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये हमने स्वीट कॉर्न लिया है, ये प्याज, छोटा कटा हुआ प्याज, छोटे कटे हुए टमाटर और शिमला मिर्च। और इसके अलावा आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, बच्चों को पसंद है। अब इसमें हम ये अमूल चीज़ ग्रेटेड किया हुआ डाल देंगे इसमें। अब इसके ऊपर से हम मोज़ेरेला चीज़ डाल देंगे। मोज़ेरेला चीज़ से ये हमारा जो बॉल से बहुत चीज़ी बनेगा और खाने में देखने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। अब थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से हम ऑरिगेनो डालेंगे। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, नमक हमारा चीज़ में भी है इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। थोड़ा सा हमने इसमें मसाला डाला है, मसाला ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से ये टेस्टी बनता है और हेल्दी भी रहता है। देखिए ये सब चीज़ का मिक्सर अब तैयार हो गया है। अब हमने इसको डिप करने के लिए एक बाउल लेना है, उसमें आधी कटोरी हमने कॉर्नफ्लोर डालना है और आधी कटोरी मैदा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। घोल ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, ज़रूरत लगे तो फिर थोड़ा सा डाल लीजिए। देखिए हमारा घोल तैयार हो चुका है। घोल कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, ना थिक रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसमें अब थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने नमक आलू और उन वेजिटेबल्स वगैरह और चीज़ में डाला हुआ है। नमक के बाद इसमें हम ब्लैक पेपर का पाउडर डालेंगे। इसमें थोड़ा सा फिर से ऑरिगेनो डाल देंगे और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए चिली फ्लेक्स। छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ये देखिए बॉल अगर हाथ में चिपके तो थोड़ा सा ऐसे हाथ में पानी लगा लीजिए और फिर इसको हम इसमें बहुत सारे बॉल बन जाएंगे हमारे। हमने ये सारे बॉल बना के अब रख लिए हैं। अब इन बॉलों को जो हमने ये पेस्ट बनाया था इसमें एक एक करके डिप करते जाना है और उसको ब्रेड क्रम्स में लपेटना है। देखिए इसे ऐसे हल्के हाथों से डिप करेंगे और फिर इसे ब्रेड क्रम में पूरा घुमा लेंगे ताकि ये जो हमारा इसमें पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए और ये फटे ना। हमने ये सारे बॉल तैयार कर लिए हैं। इसे ब्रेड क्रम्प में, ब्रेड क्रम्प आप घर पे भी बना सकते हैं, ब्रेड को पीसीस में तोड़ के उसे मिक्सी जार में पीस लीजिए और थोड़ी देर उसको सुखा लेंगे तो वो ब्रेड क्रम्प बन जाएगा। बाजार में भी मिलते हैं लेकिन घर पे भी बना सकते हैं। कढ़ाई रख दिया गैस में और उसमें तेल डाल दिया है। तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा। इसमें हम एक एक करके अपने सारे बॉल डालेंगे। देखिए हमने बॉल्स को डाल दिए हैं, फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। अब एक एक करके इस बॉल को घुमा लेंगे। देखिए अब हमारे सारे बॉल फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर बिल्कुल सुनहरा दिख रहा है। इस स्टेज पे अब इसे हम निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना इसके चीज़ जो है वो बाहर आ जाते हैं। जब इनका कलर सुनहरा हो जाए तो इन्हें निकाल लें। अब इसी तरीके से हम और जो बॉल बाकी है उनको भी फ्राई कर लेंगे।
देखिए चीज़ बॉल बनके अब हमारे तैयार हैं। इसे हमने सर्व कर दिया है। दिखने में कितने क्रंची लग रहे हैं, स्पेशली ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।